भिंड के चुनावी विवाद, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा और हाथों में हथियार का विवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान हाथों में हथियार लेकर चलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके संदर्भ में भाजपा ने कई आरोप लगाए हैं। इस वीडियो के चर्चे के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ है जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी आक्रोश बढ़ गया है। दरअसल मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के भिंड जिले में हाथों में हथियारों के साथ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें बहुत ही संवेदनशीलता और विवाद का कारण बनी है। जबकि कांग्रेस ने इस वीडियो को अपनी जन आक्रोश यात्रा का हिस्सा माना है, वहीं भाजपा ने इसे एक चुनावी विवाद का हिस्सा बताया है। भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया और इसे कांग्रेस के खिलाफ एक आरोप के तौर पर प्रस्तुत किया। उन्होंने ट्वीट किया, भिंड के मेहगांव में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह है अंतर भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा विनम्रता के भाव से जनता के हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांग रही है। कांग्रेस के लोग हथियार दिखाकर जनता को भयभीत कर रहे हैं, डरा रहे हैं। इस वीडियो के प्रसार के बाद चुनावी स्थल में विवाद की बात हो रही है और सियासी पार्टियों के बीच महज सफाई का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि उनके समर्थनकर्ताओं द्वारा किए गए इस हथियारों के प्रदर्शन का कोई आधिकारिक निर्देश नहीं था और इसे एक व्यक्तिगत क्रिया के रूप में देखना चाहिए। हथियारों का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों का आरोप है कि वे कांग्रेस के प्रतिस्पर्धी पार्टियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं और चुनावी माहौल को गर्म करने का काम कर रहे हैं। विवाद के बावजूद यह भी सत्य है कि सोशल मीडिया पर वीडियो के प्रसार से जुड़े कई अन्य मामले भी सामने आ चुके हैं जिनमें कांग्रेस के समर्थनकर्ताओं के बीच आपसी आक्रोश दिख गया है। इस विवाद के बावजूद चुनावी विभाग ने घटना की जाँच करने का आलम्ब लिया है और वीडियो के वायरल होने के बाद एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने वीडियो के संदर्भ में दिए गए आरोपों की जांच करना शुरू किया है ताकि स्पष्ट हो सके कि क्या यह हथियारों के साथ जन आक्रोश यात्रा में हुआ था और कैसे वे हथियार लेकर रैली में शामिल हुए थे। इस घटना के पीछे का सियासी बैकग्राउंड भी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान हुआ है जिसमें कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही भाजपा भी अपनी अग्रिम रणनीति का हिस्सा बनने के लिए सड़क पर उतरी है और इसका एक हिस्सा यह भी है कि कांग्रेस के समर्थनकर्ताओं को उनके आक्रोश के भीतर तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ लोग इस विवाद को सियासी रंग में रंगते हैं और कहते हैं कि इसका प्रयोग चुनावी प्रचार में किया जा रहा है। कुछ अन्य लोग इसे आवाज़ की स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखते हैं और इसे एक लोकतंत्र में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में समझते हैं। इस प्रकार भिंड में हाथों में हथियार लेकर चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद बन गया है जिसमें सियासी पार्टियों के बीच टकराव हो रहा है। इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए पुलिस जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो के प्रसार के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सियासी रंग में यह वीडियो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।